डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी रिपान पे कि क्लास 11th की वीडियोस प्रैक्टिकल की आपने नहीं प्रोवाइड कराई है, आज हम आपको पहली वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अ बॉल पेन बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। बॉल पेन रिफिल की यूज़ करेंगे, राइट। हमारे पास ये एक स्क्रू गॉज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। हम इसे बहुत शॉर्ट वीडियो आपको दे रहे हैं, तो इसमें ये आपका MSR है, MSR को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और ये जो घूमने लग रहा है, ये जो पार्ट घूम रहा है जिसमें आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपके क्या हैं? सर्कुलर स्केल है। तो हम एक मेंशन करके दिखाते हैं यहाँ पे कैसे हम रीडिंग लेते हैं, जो हमने रीडिंग सेट ली है एक सिंपल पार्ट में। ये हमारा स्क्रू गॉज का मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पार्ट को बना रहे हैं। यहाँ पे ये मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, राइट, ओके। अब इसके बाद जो हम चलते हैं, ये पार्ट्स होते हैं नंबर डिविजन्स में। अब इसमें जो डिविजन्स होते हैं, इसमें आपकी जो हमारी है ये कितने तक की है, विदा सीट हम आप मैक्सिमम कितना रीड कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर और 15 मिलीमीटर तक, राइट, इतना मेजर कर सकते हैं, कोई डिफेक्ट नहीं। अच्छा, मेन थिंग जब हम रीड कर रहे होंगे एक साउंड सुनाई देगी, वो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कट, दोबारा सुनिए ये। इसके बाद आपको अननेसेसरीली इसको रोटेट नहीं कराना है। अब कोई भी पेन दे दीजिए बेटा, रीडिंग नहीं, नहीं वो नहीं, रिफिल नहीं, पेन दे दो कोई, हाँ ये दे दो, खाली पेन, खाली पेन कोई देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि रीडिंग खुल के आ जाएगी ना इसमें। यस, हमने एक पेन को फंसा दिया बेटा इसमें, राइट। अब साउंड सुनेंगे हम, बस इस साउंड के बाद हमें नहीं रीड करना है। तो मैं आपको बता रहा था ये हमारा क्या होता है बेटे, दैट इज मेन स्केल। और यहाँ पे जो डिविजन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक 20 आ गया, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आएंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 आ जाएगा, इससे नीचे 10 होगा, राइट। तो इस तरह से, तो ये जितने नंबर्स हमें शो होते हैं ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, ये मेन स्केल रीडिंग कहलाते हैं। जैसे अब मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, आप इसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखेंगे तो हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो 5, 6, 7, 8 नज़र आ रहा है हमें, नज़र आ रहा है, आ रहा है लास्ट वन, 8 भी नज़र आ रहा है, राइट। तो ये रीडिंग कैसे आ रही है हमारी, इसको दिखाते हैं आपको। रीडिंग हमें ऐसे नज़र आ रही है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हमें ये बहुत पतला नज़र आने लग रहा है, आ रहा है नज़र बस, ठीक है, 8 डिवीज़न नज़र आ रहा है। और इस लाइन के सामने कौन सा पार्ट नज़र आने लग रहा है ज़रा देखेंगे, 20 नहीं, 20 नहीं, 15, 20 तो ऊपर आ गया ना, 20 ऊपर है ना, यार है 18 के करीब या 17, ठीक है। देखो 20 तो हमारा यहाँ पे हो गया, 1 और 2, ये 18 है, ये वाला जो डिवीज़न आ रहा, और ये कितना नज़र आ रहा हमें, 8। तो हमारी जो मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग जो होगी हमारी, जिसे MSR कहेंगे हम, व्हाट इज दिस, ये होगी 8, ठीक है। 8 कितनी होगी, ये किसमें होगी, 15 मिलीमीटर तक पड़ रहा है ना, ये 8 मिलीमीटर होगी ना, वो तो हम कर लेंगे, नंबर डिविजन्स आ गए, 0.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं उसे, 0.8 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर थी ना एक्चुअल में, राइट। हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, 18। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़
CSR, ये हमारी 18 है। इसमें एक टेक्निकल टर्म आती है, उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं उसे बेटे? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज का मीनिंग क्या है? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट एन इंस्ट्रूमेंट मेजर। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट 1 मिलीमीटर मेजर कर रहा है वन पार्ट को, और नंबर डिविजन कितने हैं? 100। तो ये क्या आ गया? 0.01 मिलीमीटर। फिर 0.01 को 10 से डिवाइड किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0.001 सेंटीमीटर। ये इसकी लिस्ट काउंट होगी। हम रीडिंग कैसे लेते हैं उसके लिए टेबल दिखाएंगे आपको। एक नॉर्मल रीडिंग दिखाते हैं, हमने एक नॉर्मल रीडिंग को शो करते हैं। रीडिंग जो होती है वो क्या होती है? MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट, इसे लिस्ट काउंट LC भी कहते हैं। ठीक है, MSR कितनी होगी आपकी? 0.8। CSR कितना होगा आपका? 18। और ये 0.008 प्लस 0.018 दैट इज 0.818 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने स्क्रू गोज से मेजरमेंट करने के लिए जो पार्ट थे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, हमने केवल आपको बताया कि हमें दो रैचेट ये दो नट्स के बीच में इसे फंसाना है, और एक साउंड सुनाई देगी, फिर साउंड फिर दोबारा सुनाते हैं आपको। यस, इस साउंड के बाद हमने बंद कर देना है, फिर हमने डिविजन्स देखने हैं मेन स्केल में कितने आ रहे हैं, दैट इज मिलीमीटर। एक्चुअल में ये मिलीमीटर में थे, ठीक है ना। MSR रीडिंग हमें कितनी मिल रही थी यहाँ पे? MSR 8 मिलीमीटर, तो इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, 10 से डिवाइड सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर, राइट। ये नंबर ऑफ डिविजन्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो इसके हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे बेटे हम? ऑब्जर्वेशन टेबल दैट इज सीरियल नंबर, राइट, MSR इन सेंटीमीटर, वी आर नॉट राइटिंग एवरी टाइम द सेंटीमीटर सेंटीमीटर। CSR इट्स अ नंबर डिविजन, नो यूनिट। नेक्स्ट A, दिस इज B, B इंटू लीस्ट काउंट दैट इज C इन सेंटीमीटर। फिर व्हाट वी गेट इट? वी गेट डायमीटर। डायमीटर में हमें क्या मिलेगा? A प्लस C को ऐड करेंगे दैट इज इन सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास? डाया अपॉन टू, तो ये भी किस में आ जाएगी? इन सेंटीमीटर। जैसे हमने पहला मेजरमेंट किया, राइट, तो हमें इसमें कितना मिला था? 0.8। ये कितने मिले थे हमें? 18 इंटू 0.001 0.018। जब ऐड किया था कितना आ गया था? 0.818। और रेडियस कितनी हो जाएगी? अपॉन टू दैट इज 0.409 दैट इज सेंटीमीटर, रेडियस भी कहते हैं। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमारे ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि वी हैव टू टेक 4 सेट 5 सेट। आपने एक रीडिंग यहाँ से ली, एक रीडिंग आप यहाँ से ले लो, राइट, एक रीडिंग यहाँ से ले लो, एक रीडिंग फिर इसके पीछे से ले लो यहाँ से। तो मतलब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे आपने रेडियस फर्स्ट कैलकुलेट करी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रीडिंग्स ले ली, तो जो मीन रेडियस आएगी वो क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। देखो बच्चों, मेरे साथ जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, एक और स्कूल गोस्ट था, ये मेरे साथ बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, 11th के हैं और बच्चे, तो हमने कोविड के नियम का फिर भी पालन किया है। हम लैब में ये वीडियो जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मना रहे हैं, तो हम लाइव करते हुए करते हैं। हम बच्चों को ऐसे नहीं करते कि वीडियो हमने कोई सेट कर ली और रीडिंग बना ली, नहीं, हम बच्चों को प्रैक्टिकल साथ साथ समझाते भी हैं और रीडिंग भी बताते हैं। तो मैं फिर आपको एक बार बता दूं, आपको इस तरह से दो नट के बीच में करना है, वो साउंड सुनाई देगी और आप उस साउंड को सुनना, उसके बाद आप क्या करना, अपनी जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बनाई है ये ऑब्जर्वेशन टेबल, उसमें रीडिंग नोट करना। और ये हमने सिंपल रीडिंग लेने का तरीका भी बताया, हम इसमें मेंशन नहीं किया था, दैट इज CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी 18 थी।
इस लाइन के सामने देखें, ये जीरो से शुरू होता है, राइट, जीरो से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एट पार्ट जीरो के अलावा, दैट इज एम एस आर। इसके बाद इस लाइन की स्ट्रेटनेस में जो सर्कुलर स्केल का पार्ट आएगा, दैट इज सर्कुलर स्केल। तो सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया बेटा, हम अपनी लैब में हैं, फिजिक्स लैब में, हम फिजिक्स लैब के नज़ारे भी आपको थोड़े दिखा देते हैं अपनी लैब के। ये उत्तराखंड का सबसे पुराना विद्यालय है, डी एम इंटर कॉलेज करनपुर। हमारे बच्चे, हम कोविड के नियम का पालन करते हैं, ज़्यादा बच्चों को लैब में नहीं बुलाते हैं जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उन्हें ब्रेक करके, मतलब आप 5 बच्चे अब करिए, 5 बच्चे अब करिए, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए जिन बच्चों को प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इसी तरह क्लास 11th के बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो, मतलब प्रैक्टिकल्स की वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।